चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, यहां पर हमारे द्वारा आज बातचीत किया जाएगा सीटेट पर्यावरण के आज अति महत्वपूर्ण भाग, जहां से अधिकांशतः यहां पे प्रश्न उठते चले आए हैं जो आपकी एनसीईआरटी की कहानियों से। आज एनसीईआरटी की कहानी के अंतर्गत आज हम जो पाठ लेने जा रहे हैं वह है कहानी सपेरों की। यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हुए हम आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं जहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और यहाँ से आप आसानी से अपने प्रश्न को हल कर पाएं। इस क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले बिंदु पर, तो यहाँ पर देखेगा कि एक कहानी दी गई है और उस कहानी में बताया गया है कि एक बच्चा है जिसके कई पीढ़ियाँ दादाजी के पिताजी और बालक के पिताजी कई पीढ़ियाँ बीन बजाने का कार्य करती, बीन बजाना और सांपों का नाच दिखाना। तो इस कहानी में आगे बताया गया कि बालक के कई पीढ़ियां बीन बजाने और सांप का नाच दिखाने का कार्य करती थी, तो वह जो उसके परिवार का बालक है या आने वाली जो पीढ़ी है, बिना किसी कठिनाई बिना किसी समस्या का वह आसानी से बीन बजाना सीख लेता है, बीन बजाना सीख लेता है। दोस्तों, इसे हमें पॉइंट्स क्या निकल कर के आता है कि अगर किसी भी बालक को शिक्षण का कार्य करना है तो जिस प्रकार बीन बजाने वाली वास्तविक या एक साधारण परिस्थिति, स्वाभाविक परिस्थिति बालक के समक्ष आती है और बालक स्वतः बीन सीख लेता है, इसलिए हमें उसे सिखाने के लिए बालक को कभी भी स्वाभाविक परिस्थितियों में सिखाना चाहिए। बालक को उसके किस परिस्थिति में, स्वाभाविक परिस्थिति में सिखाना चाहिए, बालक अपेक्षाकृत आसानी से सीख लेता है। वो आगे की तरफ आपकी कहानी कहती है कि बालक आसानी से बीन बजाना उस परिवार का सीख लेता है और वह बालक आगे चल करके सांपों को पकड़ना, उसका विभिन्न प्रकार से उपचार करना, विभिन्न प्रकार के उसकी क्रियाएं करना इत्यादि कार्य करता है। लेकिन समय आता है आगे चल करके कि लोगों के द्वारा जानवरों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यापार और उसके गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण सरकार क्या करती है कि वहाँ पे जानवरों को पकड़ने और इससे संबंधित महत्वपूर्ण रोक लगा देती है, अर्थात सरकार एक कानून का निर्माण करके उस पर क्या करती है, रोक लगा देती है। आगे की लाइनें कह रही हैं कि इससे उन लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। तो प्रश्न पूछता है क्या सरकार को ऐसा किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। तो देखिएगा, इस प्रश्न का तार्किक उत्तर देना है कि ये जो सरकार ने जानवरों को पकड़ने उनके नृत्य पर रोक लगाया ताकि लोगों के द्वारा उनके शरीर के खाल, उनकी महत्वपूर्ण अंगों को इत्यादि को बेचा जाता था, पैसा, अवैध कारोबार किया जाता था, इस क्रम में यहाँ पे सरकार ने रोक लगाया। तो रोक लगाने के बाद जो सपेरों का जीवन है वो क्या होना चाहिए, तो साहब उसको अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें करना क्या है कि सपेरे जो मधुर बीन बजा के लोगों का मनोरंजन कार्य करते थे, अब वे बीन को संगीत के रूप में बजा करके, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर चाहिए कि वे बीन बजाकर यहाँ पर क्या करें कि लोगों का मनोरंजन करें। और ये लोगों का जो मनोरंजन है वो किस रूप में, साफ तो संगीत के रूप में किया जा सकता है, इससे उनका जो कार्य है वह भी आगे की ओर बढ़ा और यहाँ पे उनको अपनी आजीविका के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उठानी पड़ी। आगे की तरफ कह रहे हैं कि जो सांप की प्रजातियाँ होती हैं या जो सांप पाए जाते हैं, अब देखिएगा एक पर्यावरण शिक्षण की नीति में लाइन होती है कि पर्यावरण की विषय वस्तु कभी भी भय और पूर्वाग्रह वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह ऐसी हो जो भय और पूर्वाग्रह से बालक को मुक्त करे। इस क्रम में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सांप और मानव, उस छोटे से बालक को पढ़ाते समय सांप और बालक दोनों के बीच में कैसे संबंध बनाने हैं, मित्रता के संबंध बताने हैं। कैसे कि साहब सांप खेतों में, झाड़ी, जंगलों, झाड़ियों, खेतियों में पाए जाते हैं
और खेतों में जो सांप घूमते रहते हैं इससे खेतों में लगने वाले चूहे को वो खा जाते हैं और चूहे किसानों के फसल को नष्ट करते हैं, इसलिए चूहे को खा करके किसानों का मित्र होते हैं और इसलिए ये सांप हमारे हम सभी के क्या होते हैं, साहब मित्र होते हैं। आगे के क्रम की अगर हम बात करें आगे के लाइनों की, तो आगे के लाइन के क्रम में ये जो सांप होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक जो ये सपेरे, यहाँ पे सपेरे होते हैं, सपेरे इनको किस नाम से जाना जाता है प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कलबेलिया, कलबेलिया के नाम से यहाँ पे सपेरों को जाना जाता है। आगे की लाइनें क्या है, आगे की लाइन कहती है कि देखिए सांप भारत में विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, लेकिन यदि जहरीले सांपों की यदि अगर हम बात करें तो ये चार प्रकार के पाए जाते हैं। नाग, यहाँ पे ध्यान देंगे कि नाग, करैत, ध्यान देंगे कि यहाँ पे जैसे सीधे तौर पे आप समझेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, उसमें विषैली जो प्रजातियां होती हैं वो भारत में मुख्यतः चार होती हैं, और इस चार के क्रम में हम जानते हैं नाग, करैत, नाग, करैत, अफाई, अफाई और दुबैया, और दुबैया, ये है यहाँ पे नाग के चार प्रकार जो कि पाए जाते हैं कहाँ, भारत में, जो कि जहरीले होते हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा जहरीला जो होता है वह नाग होता है, जिसके काटते ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, साहब मृत्यु हो जाती है। अब हम एक बात करेंगे कि एक शब्द आता है आपके एग्जाम में नाग गुम्फन, नाग गुम्फन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि नाग गुम्फन एक प्रकार की रंगोली है, नाग गुम्फन एक प्रकार की रंगोली है जो कि सांपों के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है, मतलब सांपों की आकृतियाँ उलझा करके जाल नुमा बनाई जाती है, यही हमारा क्या कहलाता है, सांप नाग गुम्फन कहलाता है। अगर आगे के क्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि एक बीन पार्टी आयोजित की जाती है, बीन पार्टी जिसमें जहाँ पे ध्यान देंगे कि बीन बजाया जाता है, बीन बजाया जाता है, और यहाँ पे यह गुम्फन और ढोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा सपेरों के बारे में, जहाँ पे बीन बजाने से लेकर के हम नाग गुम्फन तक चलते हैं। अब बालक को सांप के बारे में यहाँ पर जैसे देखें कि यहाँ पे सांप को बालक को मित्रता के बारे में बताना है, तो अगले ही क्रम में बालक को उसके परिवेश से जोड़ करके आपको बताना होगा, बताना है कि अच्छा आप बताओ कि आपने ये देखा कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा होगा कि जिनके कान पाए जाते हैं, ऐसे जानवरों के नाम बताओ जिनके कान नहीं पाए जाते, बालक तुरंत बताएगा कि सांप के कान नहीं पाए जाते। फिर यहाँ पर बताना है कि देखिए आपने ये देखा होगा कि रास्ते से जा रहे हैं और कहीं अगल बगल में भी सांप होते हैं तो हमारे पैरों की आवाज़ सुन करके सांप भाग जाते हैं, तो ऐसी दशा में उनको सुनाई कैसे देता है, तो जो सांप का शरीर होता है उसकी जो उसके शरीर पे जो त्वचा होती है वो संवेदी त्वचा होती है जो कि आवाज़ का संवेदनाओं के रूप में ग्रहण करती है, और सांप की जो जिह्वा होती है उसके माध्यम से वह आहट, एक मामूली से आहट को भी जान लेता है। इस प्रकार यहाँ पे सांप के पास कान नहीं होता फिर भी वह क्या करता है, आसानी से लोगों की बातों को सुन लेता। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि भय, बालक में सांप को लेकर के किसी प्रकार का भय ना हो, इसलिए आपको कभी नहीं बताना है कि सांप सीधे तौर पे अपना दोनों दांत निकाल करके काटता है, बल्कि इसको इस क्रम में बताना है कि सांप देखेगा, जिस प्रकार आप कभी बीमार हुए होंगे तो आप डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और जो इंजेक्शन लगाया उसकी जो सुई थी वो खोखली सुई थी और आपके स्किन में धंसी और डॉक्टर ने दवा को उसके अंदर डाल दिया, उसी प्रकार सांप क्या होते हैं, अब वो सांप जब किसी भी व्यक्ति को काटते हैं तो उसको काटने के क्रम में करते क्या है, अपने खोखले दांत को धंसाते हैं और अपने अंदर का जहरीला लार वहाँ पे क्या करते हैं, स्रावित कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से सांप क्या होते हैं कि लोगों को यहाँ पे प्रभावित करते हैं, लेकिन बालक को इसको बताने के लिए आपको एक परिप्रेक्ष्य बताना है कि
अच्छा आप ये बताओ, खेल के मैदान में खेल रहे होते हैं, जब आप खेल के मैदान में फंस जाते हैं, जब खेल की क्रिया करते हुए दो चार बालकों से विवाद हो जाता है, सब घेर करके मारने का कार्य करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने बचाव के लिए लोगों को मार करके भागने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार सांप, सांप भी अपना जनजीवन जीता, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। जब हम उसे घेर लेते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तब वो अपनी जान बचाने के लिए हमें काटने का प्रयास करता है, वरना वह हमारा क्या होता है? मित्र होता है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पे बातचीत किया कि कहानी सपेरों की। नेक्स्ट कहानी के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।